इतनी अतरंगी चीजें देखी आज से पहले हम लोग ने कभी नहीं देखा। तो हम लोग आ गए थे सारनाथ में और यहाँ पे ना जितने सारे गार्डन है ना सब में हम लोग घूम रहे थे। फिर है ना बहुत तेज भूख लग गई थी बच्चों को, तो हम लोगों ने ना थोड़े से चिप्स कुरकुरे ये सब लिए क्योंकि यहाँ पे अगल बगल में ना बहुत अच्छी चीजें नहीं थी खाने के लिए। फिर हम लोगों ने लिया टिकट और अंदर एंट्री मार लिया धम्मिक स्तूपा देखने के लिए। आप लोग अगर कभी भी सारनाथ आते हो ना तो आप लोग अपने साथ गाइड भी ले सकते हो, वो आप लोगों को सारी चीजें ना बहुत अच्छे से समझाएंगे, इसकी हिस्ट्री, ये जगह पे क्या राज रहस्यमय है, सब कुछ चीजें। तो आप लोग कभी गए हो क्या, और अगर आप लोगों को इसकी हिस्ट्री पता है तो जरूर बताना। फिर हम लोग यहाँ पे सारा कुछ देख लिए और अब टाइम आ गया था हम लोग बाहर निकले। आप एक बार सारनाथ जाते हो ना तो आप एक जगह पे मत घूमना क्योंकि यहाँ पे ना ऑलमोस्ट 3-4-5 ऐसी अच्छी अच्छी जगह है जहाँ पे आप घूम सकते हो। उनमें से एक ये वाली मंदिर है, ये वाला मंदिर इतना ज्यादा खूबसूरत लगता है बाहर से उतना ही अंदर। सोनू ने ले लिया था आइसक्रीम और अकेले ही खा रही थी। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा स्नेहा का डांस वीडियो बनाया क्योंकि इतनी सुंदर जगह थी यहाँ। फिर हम यहाँ पे पहुंचे ये जगह पर, यहाँ पे बहुत सारे स्टैचू बनाए हुए थे जहाँ पे ना गुरुजी सब लोगों को शिक्षा दे रहे थे और इसी तरह से ना सब लोग बैठ के यहाँ पे अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। और इतना प्यारा जगह है, इतना ज्यादा शांति लग रहा था ना यहाँ पे आके, बहुत ही ज्यादा मन को शांति मिली और दिमाग भी एकदम है ना थमसा गया था। सारनाथ में आप लोगों को एक जू भी मिल जाएगा जो कि काफी ज्यादा अच्छा और बड़ा है। तो हम लोग ने ले लिया उसकी टिकट, 10-10 रुपए पर पर्सन है टिकट। और इन सब बच्चों को लेके हम लोग चले गए जू में। अब इतने सारे बच्चे हैं तो उनको जू दिखाना जरूरी है ना कि कौन सी बर्ड्स को क्या बोलते हैं। और यहाँ पे इतने सारे बगुला थे, डक्स थे, स्वैन्स थे और बहुत ही सुंदर और खूबसूरत थे और सब है ना अलग अलग प्रकार की आवाजें निकाल रहे थे। तो ये देखकर राहुल मुझे बोला कि ये सब तेरे जैसे आवाजें निकाल रहे हैं, मेरे आंसू बिल्कुल इनकी तरह है। तो ये लोग बाहर ही नहीं आए अपने आंसू दिखाने के लिए, अंदर ही छुपे रह गए। फिर हमने देखा ये पोक्यूपाइन, इसको आप लोग मेरे भाषा में क्या बोलते हैं जरूर बताना। यहाँ पे अलग से एक म्यूजियम था जहाँ पे मेरी दीदी को जाने बोला, वो टॉयलेट था, राहुल इन पे मजाक मस्ती कर रहा था। फिर ये देखो सलमान भाई की याद आ गई ना, इनको देख के जरूर बताना ये लोग कौन है और किससे मिलने जा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे थे इतने बड़े बड़े सीन लेके। हम लोग सब लोग सुबह से चलते चलते थक गए थे, पानी वगैरह पिया और भूख लगी थी बहुत तेज, लेकिन यहाँ पे जू का पैसा दिया है तो सारा बर्ड्स बगीचा सब देख कर ही जाएंगे। फिर हम लोग फिर से आए मगरमच्छ देखने, लेकिन मगरमच्छ बाहर ही नहीं निकल रहा था। बाहर निकले तो मुझे ये मिली, मैंने इनको पूछा मगरमच्छ क्यों नहीं निकल रहा था, तो ये बता रही थी कि अभी मगरमच्छ की बीवी जो है वो थोड़ी नाराज हो गई है इसलिए वो नहीं निकला। फिर मैं इनको बोला ठीक है चलो मैं तो जा रही हूँ, जब आएगा तब बता देना। फिर यहाँ से हम लोग निकल गए और देखे प्यारी प्यारी मछलियाँ, मछलियों का जल है ना सारा गंदा कर रखा था, इतनी तेज भूख लग रही थी। फिर हम लोगों ने देखा बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जो अपना पढ़ाई करके पूरा आ रहे थे वहां से, इतने प्यारे और सुंदर लग रहे थे सब लोग। जैसे ही बाहर निकले ऑटो वालों ने घेर लिया और उनको लगा कि हम लोग दुबई से आए हैं, तो वो लोग इतना ज्यादा रेट बता रहे थे कि पूछो ही मत। कैसे करके एक ऑटो लिया हम लोगों ने, उसी में सब लोग बैठ गए और आधे रास्ते तक आ गए। इनको लगा हम दुबई से आए हैं, हम तो यहीं के हैं। चलो मिलती हूँ आपको अगले जगह पे, तब तक के लिए बाय बाय।